The secret of life, though, is to fall 7 times and to get up 8 times. Hello everyone, welcome back to my channel. During this pandemic, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत difficult होता है कुछ इस तरह की situations का. तो आज मैं आप सबके साथ अपना 5 बजे का रूटीन शेयर कर रही हूँ. मैं 5 AM उठ जाती हूँ, 5:15 और 5:30 मॉर्निंग में. ब्रश करके मैं छत पे सीधा आ जाती हूँ सो दैट आई कैन, मैं बाहर का एरिया एंड वहाँ पे एक चेयर रखी हुई है पुरानी सी, जिस पे मैं आराम से बैठ के मज़े लेती हूँ. प्लीज़ डोंट बॉदर माय क्लोथ्स. मैं उस समय कुछ भी पहनी हुई थी जब ये वीडियो शूट किया हुआ था, नॉर्मल टी शर्ट एंड माय हेयर्स आर सिंपल. मैं आपको अपना रियल दिखा रही हूँ, हाउ मैं कैसे रहती हूँ या कैसे, कोई बनावटी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है. बस एक ग्लांस ले रही हूँ स्काई का और ठंडी हवाओं का. आई जस्ट वॉन्ट टू फील. उसके बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने में बिलीव करती हूँ. योगा करने से पहले सुबह पूरा देखने के बाद मैं पूरी बॉडी को, अपने आर्म्स को ट्राई टू क्लोज विद माई फिट्स कि मैं दोनों अपनी मुट्ठियाँ बंद करके एंड पूरा स्ट्रेच करूँ अच्छे से अपनी बॉडी को. अगर हम फिट हैं तो हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आज सच. और फिट होना आज के डेट में, आज के ट्रेंड में, लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आई ट्राई टू कीप माय बॉडी हेल्दी. आई ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन माय हेल्थ, इन माय फूड, इन माय लाइफस्टाइल रादर देन स्पेंडिंग ऑन अ डॉक्टर. मुझे लगता है कि उनको फ़ीस देने से अच्छा हम अपने ऊपर अच्छे से स्पेंड करें और अच्छा खाएं, और खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें. सो दैट अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्गर पिज़्ज़ास, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड हेल्दी फूड. इन्वेस्टिंग इन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और बिल्कुल अलग अलग एरिया का ग्लांस लेते हुए. आई जस्ट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दैट. बाहर का नज़ारा 5 बजे, 5:30, 6 बजे बहुत ही अच्छा होता है. बहुत अच्छी हवा होती है तो एक अच्छा ही फील आता है हमको. तो यहाँ पर आपको मैं आराम से अपने हेयर टाई करते हुए दिखाई दूंगी. एंड मैं अपना एक छोटा सा 15 मिनट्स का सेशन करती हूँ योगा का. छत पे करना चाहूँ छत पे करती हूँ, कभी कभी नीचे अपने रूम में या लिविंग रूम में या नियर बाय माय डाइनिंग रूम मैं योगा मैट बिछा के भी करती हूँ, डिपेंड्स. लेकिन अगर हवा अच्छी है, धूप नहीं आई है, बहुत नॉर्मल मौसम है, तो मैं छत पे प्रेफर करती हूँ. मैं नॉर्मल शूज़ और अपना ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट में ही अपना योगा करना प्रेफर करती हूँ. जस्ट एक बॉडी स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच, सो दैट मेरे जो हैंडल निकल आते हैं या किसी के भी हैंडल निकल आते हैं कुछ भी ऐसा खाने से. क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पराठे का शौकीन भी हूँ. मुझे प्याज का पराठा बहुत पसंद है, तो मैं प्याज का, आलू का जब भी खाती हूँ तो आई ट्राई कि मैं अपने हैंडल्स को कंट्रोल रखूँ. माई आर्म्स, माई एवरी बॉडी पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर बॉडी पार्ट को एक एक्स्ट्रा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालूँ, सो दैट उसका जो कैलोरीज है वो बर्न हो और मेरी बॉडी बेटर और फिट दिखे. ये हाई टचअप्स हैं जो मैं, क्या इसको बोलते हैं, हाई नीज़ बोलते हैं, जो मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि ये करूँ सो दैट माई जो मेरा नी के अबव एरिया है एंड जो मेरा घुटने से नीचे का एरिया है वो हेल्दी रहेगा एंड मूवेबल रहेगा. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा. आई ट्राई टू, ये स्ट्रेच बहुत ही अच्छा होता है आपके साइड बॉडी के लिए, साइड बॉडी फैट के लिए, तो मैं ये डेफिनेटली ट्राई करती हूँ. आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अपना हाथ घुटने से नीचे ले जाने की कोशिश करूँ. मैं भी एक बिगनर ही हूँ, एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ जो मेरी बॉडी को सूट करता है मैं वो हर चीज़ करती हूँ सो दैट ये बॉडी मेरी मेंटेन रहे. मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लूज़ करना या गेन करना, मुझे लगता है जहाँ तक. आई वॉज लाइक, पहले मैं अराउंड 75 to 80 kgs थी. नाउ आई एम वेइंग फ्रॉम 51 टू 53, 54 तक मैं वे करती हूँ. सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज विच रेजुमिनेट योर होल बॉडी, जो आपकी पूरी बॉडी को एक अलग तरह का ग्लो देता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है एंड आपके फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं. आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है. 5 बार सुबह, 5 बार शाम को. अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है एक्सरसाइज करना तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। 15 टाइम्स आप एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे करना नहीं आता। आप करेंगे तो आपको आएगा, नहीं करेंगे तो बहाने तो बहुत है दिमाग में। तो हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें अपनी बॉडी पर टाइम इन्वेस्ट करना है। 15-20 मिनट्स बहुत है कि आप कर सकते हैं। इस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मेरे पास मॉर्निंग में ठीक ठाक टाइम होता है और ऑफिशियल काम करने का भी एक टाइम सेटअप होता है। तो आई ट्राई, ये कैट पोज एंड काउ पोज मेरा फेवरेट पोज है, क्योंकि मेरे अगर बैक में कहीं दर्द है या मेरे को अपनी बैक पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो ये पोज दी बेस्ट है कि आपकी स्टमक और बैक के लिए दीज आर द बेस्ट पोज विच गिव मोर अलाइनमेंट टू योर बॉडी। तो मैं ये कैट और काउ पोज जनरली अपनी बेटी के साथ भी ट्राई करती हूँ, बिकॉज ये मेरे को भी बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा मॉर्निंग का रिचुअल्स हैं जो मैं जनरली करती हूँ अपने लिए, सो दैट एक एरा बना रहे कि हाँ हम अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं और बॉडी को रिलैक्स फील करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। कभी मन किया तो योगा कर लिया, कभी मन किया जस्ट जॉगिंग कर लिया, कभी मन किया तो स्काई की तरफ ग्लेज कर लिया, कभी मन किया तो सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लिया, कभी सिर्फ ऐसे ही चेयर पे बैठ करके बर्ड्स की चॉपिंग सुनना और ट्रीज को फ्लो करते हुए देखना। जस्ट उस पर्टिकुलर मूवमेंट में रहना भी एक बहुत ही बड़ा मेडिटेशन है। और हाँ, यहाँ पे मेडिटेशन की मैंने बात की। मेडिटेशन कोई कला नहीं होती, अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहना सीख लें वही मेडिटेशन है, क्योंकि हम जनरली पास्ट या फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादातर सोचते रह जाते हैं। तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है हमारे लिए कि हाँ कि ओके, हम ये सोच रहे होंगे कि हमें कल मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं इतनी अच्छी जॉब में था और आज मेरे पास वो जॉब नहीं है, या कल मेरे पास मैं इतना कमाता था, या मेरे पास ब्ला ब्ला चीज़ें थी और आज वो नहीं है। तो वो एक सिचुएशन भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मेरे घर के आसपास बहुत सारा ग्रीनरी है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। ये अपलिफ्ट कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने लिए गार्डनिंग के लिए टाइम निकालें। मुझे नहीं पता कि प्लांट्स मुझे देख कर के क्यों कहते हैं कि मुझे घर ले चलो, बट मुझे ये जनरली फील होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, बट जितने भी हैं आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम बाय वाटरिंग देम। समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। इस तरह से मैं एक स्ट्रेच करती हूँ कि रेलिंग बाहर नहीं आएगा, बट यस हाँ मैं स्ट्रेच करती हूँ कि मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स हैं और मेरा जो हिप एरिया है वो भी, उसको भी ब्लड सर्कुलेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑब्वियसली दिन भर हम इधर उधर बैठते रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक मेरा खुद का परसेप्शन है कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें निकालना तो, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप 9 बजे तक 8 बजे तक सो सकते हैं, उठ के इमिडिएटली चाय बना सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में दिन निकाल सकते हैं, इरिटेशन में कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एंड वो होता ही होता है, बिकॉज जब मैं पहले लेट उठती थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि ढेर सारे बर्तन दिख रहे हैं और एक खाना भी बनाना है, अभी ऑफिस भी जाना है। ये आप देखते हैं ना, ये सीन मैंने कैप्चर किया था। मेरे घर के पीछे एक घर बन रहा है, वहाँ पर एक लेबर है जो इतनी बढ़िया रोटी बना रहे हैं एंड वो चूल्हे पे सेक रहे थे। एंड मैं इतनी अच्छी रोटी नहीं बना सकती जितनी अच्छी ये रोटी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग बना पाते होंगे बट मैं नहीं बना सकती। जिस तरह से वो घुमा रहे हैं, मेरी तो रोटी घूमती नहीं है, मुझे हाथ से घुमानी पड़ती है। एंड वो बहुत ही बढ़िया अराउंड 6 o'clock वो पूरा खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनको काम स्टार्ट करना होगा। तो उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब तो ये दिखना भी बंद हो जाएंगे। तो अब मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल में सेकंड काम मैं झाड़ू लगाना करती हूँ। मैं पूरे घर में अपना काम खुद ही करती हूँ। पहले तो आप अभी तो मेड वेड सबके घर में नहीं आ रही होंगी, मैं हमेशा से अपना काम खुद ही करती हूँ, बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इम्पॉर्टेंस भी है। और मेरी बॉडी, आप देख रहे हैं मैं जिस पोजिशन में बैठी हूँ, तो मेरा ऑलरेडी एक छोटा मोटा एक्सरसाइज ऐसे भी हो जाता है। तो आई ट्राई टू क्लियर अप ऑल, जितना भी मेरे घर में बच्चा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं दिन रात भी झाड़ू लगाऊँ तब भी साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे को आप जितना मना करिए वो तो ये करते हैं क्योंकि उनको तो मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। एंड ठीक है, बच्चे पैंडमिक में क्या करेंगे, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं आ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, घर में थोड़ा कूड़ा ही करेंगे ना, संभाल लेंगे। हम लोग होते किस लिए हैं। तो आई जस्ट क्लीन आउट, मैं पूरा काम ये कंप्लीट करती हूँ, पूरा साफ़ सफाई। ये साइड में जो आपको प्लांट दिख रहा है ये आर्टिफिशियल प्लांट है, क्योंकि पहले भी लोगों ने मुझसे पूछा है। ये बेसिक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मैंने बाय किया था यहाँ पे लोकल मार्केट से। ये मुझे शायद 700 या 800 रुपीज़ का पड़ा था। एंड इसको मैंने पॉट में लगाया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बालू एंड रेत जो कि मैंने नियर बाय से लिया था। मैं शूज़ पहन के काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं शूज़ पहन के ही सारा काम करती हूँ एंड पूरा क्लीन एंड वाइप करके मैं क्लीन कर देती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ, दिस इज़ चिया सीड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ब्लैक चिया सीड्स, एक्चुअली मैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जा के बीज, आइए रहा सब्जा के बीज बोलते हैं। इसको मैं वाटर में भिगोती हूँ एंड 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में ये फूल के डबल हो जाते हैं। मैं उसको ड्रिंक कर देती हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो चिया सीड्स आर बेस्ट। चिया सीड्स नहीं है, आप सौफ का पानी भी पी सकते हो। ग्रीन टी नहीं पीना है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में ग्रीन टी पीने से वीकनेस आता है। हमेशा खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आप ग्रीन टी लें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि तभी वो ग्रीन टी छोड़ देते हैं। जो साइड में दिख रहा है ये मेरा फूड प्रोसेसर है जो कि इनालसा ब्रांड का है। मैं इसी में आटा गूंथती हूँ और मुझे इसी से आटा गूंथना है। आज बन रहे हैं छोले, मेरे हस्बैंड की डिमांड पे कि छोले खाना है एंड छोले मुझे भी बहुत पसंद है। ये मैंने ओवरनाइट सोक किए थे। एंड साइड में जो पैकेट है वो लहसुन है, क्योंकि मैं लहसुन को थोड़ा सा पानी में भिगो देती हूँ, फिर उसको एक साथ छील करके स्टोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बार बार आपको छीलना नहीं पड़ता और लहसुन भी छिल जाता है, तो एक इजी तरीका हो जाता है कि आप ओके आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं छोले चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं अपना रूटीन, ग्रैटिट्यूड जर्नल, प्लानिंग माय डे, ये सब करूंगी। तो इसके लिए मैं पहले ही अपना एक डे रेडी कर लेती हूँ और बाकी मेरा काम होता रहे तो मैं इधर चढ़ा दूंगी, क्योंकि बाकी सब के लोगों का उठने का टाइम भी हो जाएगा। तो मुझे मेरे लिए भी टी चाहिए, तो मैं अपनी टी के साथ, मैं ऑलरेडी चिया सीड वाटर के बाद टी लेना पसंद करती हूँ, या थोड़े से बादाम मैंने भिगोए होते हैं तो मैं उनको ले लेती हूँ। तो ये मैं छोले भिगोने जा रही हूँ, छोले चढ़ाने जा रही हूँ गैस पे। तो छोले में मैंने पानी डाला था। मैं आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी आप डाल के इसको पका सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है तो आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, या बहुत सॉफ्ट बनाना है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस कुछ खड़े मसाले लूँगी और इसमें बेकिंग सोडा के साथ डाल के इनको चढ़ा दूँगी। तो उसके बाद मैं अपना आगे का डे प्लान करूँगी, सो दैट इसके बाद मेरी बेटी के उठने का टाइम हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए अभी ब्रेकफास्ट कुछ अलग से नहीं बनाती। इन्हीं छोलों को मैं उसके लिए प्याज टमाटर के साथ सॉटी कर दूँगी, या फिर उसको पराठा और एग्स बहुत पसंद है तो मैं बॉयल एग कर दूँगी। डे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ट्यूसडे और थर्सडेज एग्स अवॉइड करती हूँ, बच्चों को भी देना, और गर्मी भी है तो एग्स ज़्यादा देना पसंद भी नहीं करती। तो ये मैं ऑलरेडी चढ़ा दूँगी कि सो दैट मेरा काम होता रहे। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और जैसा मैंने बताया था पहले खड़े मसाले डालूँगी और बेकिंग सोडा भी डालूँगी, और ताकि छोले अच्छे बने। छोले समथिंग हम जनरली संडेज़ को कंज्यूम करते हैं या सैटरडेज़ को कंज्यूम करते हैं, बिकॉज आई हैव मेड यू नो प्लान कि हमें हर बीन्स के लिए टाइम देना चाहिए, सिर्फ हरी सब्जियों को ही नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमें राजमा, छोले, लोबिया, ये सब बहुत बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, हमें डेफिनेटली खाने चाहिए। आपको पता होगा कि राजमा किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, छोले भी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लोबिया भी बहुत अच्छा होता है। बट हमेशा सिर्फ दाल 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 भी नहीं खा सकते, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स सो मच प्रॉब्लम्स। अब मैं खड़े मसालों के साथ छोलों को रेडी कर लूँगी एंड फिर आप सबके साथ मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल और बुक्स जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया एंड क्या क्या चीज़ें मैंने की। ये लौंग है स्पेसिफिकली, अगर आप देखें तो 7-8 कलियाँ मैं लौंग की डालती हूँ और कुछ काली मिर्च डाल देती हूँ सो दैट बाद में नहीं करे। हम लोग के छोले अगर आपने देखे होंगे तो ब्लैक कलर के होते हैं, उसका राज सिंपल सा है। अगर आप एक कोई टी बैग ले लें, टी बैग को छोलों में डाल दें। ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है एंड कुछ जीरा भी हम डालते हैं। टी बैग अगर आप डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो इससे क्या होगा कि वो ब्लैक कलर के होते हैं। आप लोग देखे होंगे ना कि मार्केट में कुछ छोले मिलते हैं तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो ब्लैक कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसमें चाय पत्ती और बेकिंग सोडा रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर के क्रिएट कर देता है। तो अभी हम नेक्स्ट अपना पार्ट चलेंगे कि मैं अपना डे कैसे प्लान करती हूँ और क्या क्या चीज़ें करती हूँ, जस्ट टू कंटिन्यू इट। मैं चेक कर रही हूँ कि चिया सीड वाटर हुआ है या नहीं हुआ। अभी नहीं रेडी हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया है। थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा तो हम इसे कंज्यूम करेंगे। इसे आप जनरली खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी जगह मैं हॉट लेमन वाटर भी पीती हूँ, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हॉट लेमन वाटर पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। मीनवाइल मेरा बेबी उठ गया है, मतलब मेरी बेटी उठ गई है, तो उसको मैं दूध गर्म करके दे रही हूँ। एंड ये तो नॉर्मल काऊ मिल्क है। मैं काऊ मिल्क जब से वो पैदा हुई, जब से वो 6 months की थी तब से मैं उसको काऊ मिल्क देती हूँ। एंड काऊ मिल्क को मैं नॉर्मल इंडक्शन पे गर्म कर लूँगी सो दैट उसको नॉर्मल वार्म करके उसके फादर को दे देती हूँ तो वो पिला देते हैं। तब तक मेरा बेटी उन्हीं के साथ सो रही होती है और वही देख रहे होते हैं उसको, और वो उनके क्लोज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बेटियाँ हमेशा फादर के क्लोज होती ही हैं। वो उनको डैडा बोलती है एंड उन्हीं के साथ ज़्यादातर वो रात में या दिन में या मॉर्निंग में टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, हर फादर को अपनानी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। सिर्फ मदर की ही जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, फादर की इक्वल ही जिम्मेदारी होती है कि उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स में से कुछ फादर्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे किस स्टैंडर्ड में हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे के बारे में, उसके शेड्यूल, और मीनवाइल मैं ये चाय भी बना रही थी। ये बुक पावर ऑफ नाउ वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो कि मैंने अभी तक पढ़ी है, बिकॉज़ ये लाइफ चेंजिंग गेमिंग बुक है। मैंने इसका रिव्यू देखा था ऑलरेडी और मैं इस बुक को पढ़ना चाहती थी तो आई हैव इन्वेस्टेड। मैंने इसको अमेज़ॉन पे भी चेक किया और फ्लिपकार्ट पे भी चेक किया। मिस्टर इकार्ड टोले की ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया क्योंकि इसमें बेटर रेट्स फ्लिपकार्ट में मिल रहे थे। बुक्स के मामले में फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी आई है, बुक की पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है। मैं भगवान को शुक्रिया करती हूँ हर उस दिन का जो उन्होंने मुझे दिखाया, हर उस चीज़ का, हर उस सामान का, हर उस ऑब्जेक्ट्स के अलावा हर यहाँ पे लाइव चीज़ों का जो उन्होंने मुझे दिया, और इस पार्ट का कोई मीनिंग ढूंढने की कोशिश भी करती हूँ सो दैट ये मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं देता है कि मैं कोई भक्त बन गई हूँ। नो, बस एक पीस देता है, एक आराम देता है, एक सुकून देता है कि हाँ, वट एवर आई हैव आई एम हैप्पी विद इट। ये बुक बहुत ही अच्छी है इनलाइटमेंट के लिए, स्पिरिचुअलनेस के लिए, और स्पिरिचुअल होने का कोई टाइम नहीं होता। It can be at any age. आप जब ये बुक पढ़ोगे तो you will feel good.